आज के सबक में हम सीखेंगे नंबर 1 एडिशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जमा के मसाइल, नंबर 2 मोर अबाउट एडिशन यानी जमा के मुतालिक मजीद सवालात, नंबर 3 मेंटल एडिशन यानी जुबानी जमा, नंबर 4 सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक, नंबर 5 सब्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल पर सवालात। माइकल फैराडे सन 1791 से 1867 एक विक्टोरियन केमिस्ट और तबियात दान थे जिन्होंने बर्की मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर इजाद की। वो लंदन के एक गरीब लोहार के बेटे थे। अगरचे उनकी स्कूल की तालीम बहुत कम थी लेकिन उन्होंने एक किताब साज के काम के दौरान साइंस की किताबों से इल्म हासिल किया और काम के बाद अपने तजुर्बात भी सर अंजाम दिए। वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 एडिशन यानी जमा के टॉपिक एडिशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जमा के मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। आइए टॉपिक रोजमर्रा जिंदगी में जमा के मसाइल को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। सब मिलाकर वहाँ कितनी आइसक्रीम्स हैं? वहाँ 8 चॉकलेट आइसक्रीम हैं। 8, 9, 10, 11, 12 वहाँ सब मिलाकर 12 आइसक्रीम्स हैं। 8 जमा 4, 12 के बराबर है। सब मिलाकर वहाँ कितने क्यूब्स हैं? वहाँ नीले रंग के 7 क्यूब्स हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 वहाँ सब मिलाकर 12 क्यूब्स हैं। 7 जमा 5, 12 के बराबर होते हैं। सब मिलाकर वहाँ कितने काउंटर्स हैं? वहाँ 9 काउंटर्स हैं। 10, 11, 12, 13 वहाँ सब मिलाकर 13 काउंटर हैं। 9 जमा 4, 13 के बराबर होते हैं। मोर अबाउट एडिशन यानी जमा के मुतालिक मजीद सवालात को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। सब मिलाकर वहाँ कितने टमाटर हैं? वहाँ 3 टमाटर हैं और वहाँ 2 टमाटर हैं। 3 और 2 चलिए इनको गिनकर आपस में जमा करते हैं। 3, 4, 5 वहाँ सब मिलाकर 5 टमाटर हैं। 3 और 2 से 5 बनते हैं। वहाँ सब मिलाकर कितने क्यूब्स हैं? 5 क्यूब्स यहाँ हैं और 3 क्यूब्स यहाँ हैं। 5 और 3 चलिए इनको गिनकर जमा करते हैं। 5, 6, 7, 8 वहाँ सब मिलाकर 8 क्यूब्स हैं। 5 और 3, 8 बनते हैं। वहाँ सब मिलाकर कितने काउंटर्स हैं? वहाँ 5 काउंटर्स हैं और ये भी 5 काउंटर्स हैं। 5 और 5 चलिए इनको गिनकर जमा करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वहाँ सब मिलाकर 10 काउंटर्स हैं। 5 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं। आइए अब हम जमा से मुतल्लिक कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इस सवाल में पूछा गया है, एक जमात में 29 लड़कियां और 13 लड़के हैं, कुल मिलाकर कितने तलबा हुए? स्टूडेंट्स सोचिए और जरा सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, 4th ऑप्शन सही जवाब है, 42 तलबा। शाबाश बच्चों। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। अली ने 3 सुर्ख और 2 नीले गुब्बारे खरीदे, अली के पास कितने गुब्बारे हुए? सेकंड ऑप्शन सही जवाब है, 5 गुब्बारे। बहुत खूब बच्चों। जी तो बच्चों चलिए अब ये सवाल हल करते हैं। 12 जमा 26 बराबर हैं? दूसरी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, 12 जमा 26 38 होते हैं। अरे वाह बच्चों बहुत खूब, ये तो आपने सारे सवाल हल कर लिए। उम्मीद है कि आपको एडिशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जमा के मसाइल के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आइए अब एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसमें मेंटल एडिशन यानी जुबानी जमा के बारे में समझाया गया है।
मेंटल मैथ्स अहम क्यों है? ये अहम है क्योंकि हम जब बड़े होते जाते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं। आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं अगर आपकी वालिदा या वालिद या दादा या दादी आसपास हैं, या किसी बड़े बहन भाई से कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं हम उंगलियों पर मैथ्स नहीं करना चाहते क्योंकि तब शायद लोग समझे कि हमें मैथ्स नहीं आता। मजीद ये कि अगर हम अपने दिमाग में मैथ्स करें तो हम ये जल्दी कर सकते हैं, और जब नंबर्स बड़े होना शुरू हो जाएं तो तब हम उनको जल्दी से आपस में जमा कर सकते हैं। तो अब हम कुछ स्ट्रेटजीज हासिल करते हैं। हमारी पहली स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं तो उनमें से एक दो या तीन होगा, तो तब आपको गिन लेना चाहिए। इसकी मुझे कुछ मिसालें देने दें। चुनाचे 6+2 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 है। अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि इनको गिन लिया जाए। चुनाचे 6, 7, 8, हमारा जवाब 8 है। मैंने 6 से गिनना शुरू किया, मैंने बड़े नंबर से गिनना शुरू किया। 3+5 में मेरे पास यहाँ 3 है, मैं 5 से शुरू करूँगी और गिनती करूँगी 5, 6, 7 और 8, हमारा जवाब फिर से 8 है। वाओ, 8। और फिर 8+1 को देखें, हम बड़े नंबर से शुरू करते हैं और आगे गिनते हैं 8+1, 8, 9, ये 9 होगा। अब हम 1, 2 या 3 से बड़े नंबर से गिनना नहीं चाहते, हम दूसरी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। गिनती करना सिर्फ 1, 2 और 3 पर ही काम आता है, क्योंकि अगर आप बड़े नंबर्स पर गिनती करेंगे तो आपके नंबर्स गलत हो सकते हैं और ये स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है। तो गिनती तब करें जब आपके पास 1, 2 या 3 हो। कुछ और स्ट्रेटजीज आजमाने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास 2 बड़े नंबर्स हों। यहाँ देखिए, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, 2 times 2 times, ओके? इन फ्रेंड्स को देखिए, चलिए देखते हैं 2 times कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं, अगर आपको तरतीब नजर आ रही है, ओके? अब आप तरतीब देख रहे हैं, 1+1, 2 है, 2+2, 4 है, 3+3, 6 है और 4+4, 8 है। क्या आप तरतीब देख रहे हैं? 5+5, 10 है, 6+6, 12 है, 7+7, 14 है, 8+8, 16 है, 9+9, 18 है। हे, यहाँ देखो, क्या आपको तरतीब नजर आ रही है? क्या आप छोड़ी हुई गिनती वाली तरतीब देख सकते हैं? 2, 4, 6, 8। हम किसकी तारीफ करें? 10, 12, 14, 16, 18, ये नंबर छोड़ी हुई गिनती वाले नंबर्स हैं। ऑल राइट, चुनाचे दुगने के साथ मैं यकीनन ये लेना चाहती हूँ कि आप डबल्स को याद कर लें, इन जमा करने वाले मसलों को याद कर लें। आप छोड़ी हुई गिनती के बारे में सोच सकते हैं और ये आपको याद रखने में मदद देगी कि वहाँ एक बहुत खूबसूरत तरतीब है, और एक बार आपको आपके डबल्स पता चल जाएंगे तो आप बहुत सारे जमा करने वाले मसलों की निगेबानी कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक और स्ट्रेटजी को देखते हैं जो डबल्स के साथ की जाती है। याद करें कि इसको डबल प्लस वन या डबल माइनस वन कहते हैं। डबल प्लस वन या माइनस वन के साथ आप डबल्स वाले मसले लेते हैं, ऐसे मसले जो वाकई डबल्स वाले मसलों के करीब होते हैं और सिर्फ प्लस या माइनस वन होते हैं। चुनाचे मिसाल के तौर पर हमें पता है कि 8+8, 16 होता है, ओके, मगर फिर क्या अगर आपके पास 8+9 हो? ये डबल नहीं होगा, मगर ये 2+1 है, ओके। चुनाचे ये डबल के बहुत करीब है और मुझे पता है मैं जवाब हासिल कर सकती हूँ और वहाँ सिर्फ 1 जमा करना है, ओके, तो ये 17 होगा। मुझे ये मसला याद रखना लाजमी नहीं है, 8+9 शायद आपको पहले से याद ना हो, मगर आप अगर यहाँ देखें, ओ, सिर्फ 1 ज्यादा है, सिर्फ 1 ज्यादा का मसला है, चुनाचे जवाब में भी 1 ज्यादा होगा। आपको आपके डबल्स याद हैं तो आप सिर्फ डबल्स जमा या माइनस 1 कर सकते हैं। देखिए, 8+7, ओके, वैसा ही है, देखिए ये डबल माइनस 1 है। 8+8, 16 है, चुनाचे 1 कम करने से 15 हो गया। एक बार ये डबल्स वाले मसले मुझे याद हो जाएं तो इससे ये आसान हो जाता है, ओके। डबल प्लस या माइनस 1, यहाँ कुछ मिसालें हैं जिन पर मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। 6+7, ओके, मैं समझती हूँ डबल 6+6, 12 होगा और इसमें प्लस 1, 13 है। मैं 6+5 कैसे करूँगी? डबल माइनस 1, ओके, 6+6, 12 है, 1 कम किया तो 11 हो गया, ओके, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा। आइए अब जुबानी जमा से मुतल्लिक किताब के कुछ सवालात हल करते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जुबानी जमा करके जवाबात लिखिए। 15+10=25 के, 18+11=29 के, 26+13=39 के, 9+10=19 के,
32 जमा 12 बराबर है 44 के, 30 जमा 16 बराबर है 46 के, 17 जमा 21 बराबर है 38 के, 24 जमा 5 बराबर है 29 के। जी बच्चों, तो अब हम जमा के मुतालिक मजीद सवालात हल करते हैं। खाली जगहों में दुरुस्त जवाब लिखिए। 2 जमा 5 बराबर है 7 के और 5 जमा 2 बराबर है 7 के। 6 जमा 3 बराबर है 9 के और 3 जमा 6 बराबर है 9 के। 8 जमा 1 बराबर है 9 के और 1 जमा 8 भी बराबर है 9 के। बिल्कुल इसी तरह 7 जमा 9 बराबर है 16 के और 9 जमा 7 बराबर है 16 के। खाली जगहों को दुरुस्त जवाब से पूर कीजिए। 9 जमा 1 बराबर है 1 जमा 9 के, 8 जमा 3 बराबर है 3 जमा 8 के, 4 जमा 2 बराबर है 2 जमा 4 के, 5 जमा 7 बराबर है 7 जमा 5 के, 3 जमा 7 बराबर है 7 जमा 3 के, 6 जमा 5 बराबर है 5 जमा 6 के। उम्मीद है कि आपको एडिशन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जमा के मसाइल के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आइए टॉपिक सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। लर्न बेसिक सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। हेलो किड्स, आज हम स्टिक्स की मदद से बेसिक सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि 3-2 किसके बराबर है। हमें मालूम करना है कि 3 में से 2 को माइनस करें तो कितना होता है। अपनी प्रॉब्लम को हल करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम को कैसे लिखना और पेश करना है। हमारा सवाल है 3-2 किसके बराबर है। हमारी पहली कीमत 3 है तो हम देखेंगे 3 फिर माइनस की अलामत। हम माइनस की अलामत बाएं जानिब नीचे करके लिखेंगे। फिर हमारी दूसरी कीमत लिखेंगे जो कि 2 है। हम दूसरी कीमत को पहली कीमत के नीचे लिखेंगे, फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर अपना डिफरेंस देखेंगे। हम अल्फाज में 3-2 का फर्क लिखेंगे, जैसा कि हमने सीख लिया है कि प्रॉब्लम को कैसे लिखना और पेश करना है। अब हम सीखेंगे कि एक मसले को हल कैसे करना है स्टिक्स की मदद से। हमारी पहली कीमत 3 है, इसलिए हम 3 स्टिक्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। हमारे पास 1, 2 और 3 स्टिक्स हैं। अब हमें 3 में से 2 स्टिक्स निकालनी है, तो हम 3 में से 2 स्टिक्स को हटा देंगे, 1, 2। इस तरह हमने 3 में से 2 स्टिक्स हटा दी। अब हम देखेंगे हमारे पास अब कितने स्टिक्स हैं। हमारे पास 1 स्टिक है। इस तरह हमारा जवाब है 3-2 जो कि 1 के बराबर है। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। आप देखेंगे कि 5-3 किसके बराबर है। हमें एक मसले को हल करना है कि 5-3 किसके बराबर है। हम पहले अपने मसले को लिखेंगे या पेश करेंगे। हमारा सवाल है कि 5-3 किसके बराबर है। हमें 5-3 निकालना है। इस मसले को हल करने के लिए हम स्टिक्स की मिसाल लेंगे। हम इसे स्टिक्स की मदद से करेंगे। हमारी पहली कीमत 5 है, इसलिए हम 5 स्टिक्स बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और 5, कुल 5 स्टिक्स हैं। हमें 5 में से 3 को माइनस करना है। हम 5 में से 3 स्टिक्स को हटा देंगे, 1, 2, 3। लिहाजा हम 5 स्टिक्स में से 3 को हटा देंगे। अब हम काउंट करते हैं। अब हमारे पास कितने स्टिक्स हैं? हमारे पास 2 स्टिक्स हैं, इसलिए जवाब 2 है। इस तरह हमें मिलाकर 5-3 2 के बराबर है। हमारा जवाब 2 आएगा। अब हम एक और मिसाल देखेंगे। 8-5 किसके बराबर है। हमें इसे हल करना है। 8-5 किसके बराबर है। सबसे पहले हम अपने मसले को पेश करेंगे, जिस तरह पिछली मिसालों में किया था। हमारा सवाल है कि 8-5 किसके बराबर है। हम इस मसले को स्टिक की मदद से हल करेंगे। हमारी पहली कीमत 8 है, इसलिए हम 8 स्टिक्स लिखें या बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास कुल 8 स्टिक्स हैं। हमारी दूसरी कीमत 5 है, इसलिए हमें 8 स्टिक्स में से 5 को हटाना है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टिक्स हटा दी। अब हम गिनेंगे कि हमारे पास कितने स्टिक्स हैं। 1, 2 और 3। हमारे पास कुल 3 स्टिक्स हैं। इस तरह हमने हासिल किया कि 8-5 बराबर होता है 3 के।
हमारा जवाब है 3। चलिए एक और मिसाल देखते हैं, 9-4 किसके बराबर है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, 9-4 फिर लाइन और किसके बराबर है या कितना है। हम इसे स्टिक्स की मदद से हल करेंगे जिस तरह हमने पिछली मिसालों में किया था। हमारी पहली वैल्यू 9 है, इसलिए हम 9 स्टिक्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम इसे अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास कुल 9 स्टिक्स हैं। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू 4 है, इसलिए हम इसमें से 4 स्टिक्स को हटा देंगे। 1, 2, 3, 4, हमने 4 स्टिक्स हटा दी। अब हम गिनेंगे कि हमारे पास कितने स्टिक्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अब हमारे पास कुल 5 स्टिक्स हैं। इस तरह हमें हमारा जवाब मिल गया जो कि 5 है, इसलिए 9-4 बराबर होगा 5 के। इसी तरह आज हमने स्टिक्स की मदद से माइनस करना सीखा है। आइए अब हम दिहाइयों की तफरीक को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। 30 क्यूब्स को मनफी करें। क्यूब्स को 10 की तादाद में तरतीब दिया गया है। यहाँ 10 क्यूब्स की 7 लॉट्स हैं। हमें इसमें से 30 क्यूब्स निकालने हैं। 30 तीन दहाइयां हैं। 7 दहाइयां 7 टेंस में से 3 दहाइयां निकालें तो 4 दहाइयों के मुसावी है। 7 टेंस माइनस 3 टेंस इज इक्वल टू 4 टेंस, इसलिए 70-30 बराबर होगा 40 के। हम 3 लॉट्स को काट कर बाकी को गिनकर जवाब को देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। 1, 2, 3, यहाँ बाकी 1, 2, 3, 4 लॉट्स हैं, 10 क्यूब की बची हैं। 4 दहाइयां 40 है। मनफी, हमें निकालना है 94-20। हम 94 को टेंस और वंस में अलग कर लेंगे बनाने के लिए 90 और 4। टेंस को मनफी करने से शुरू करें, 90-20 बराबर होगा 70 के। अब हम वंस या इकाइयों को जमा करेंगे, 70-4 बराबर होगा 74 के। लिहाजा 94-20 बराबर होगा 74 के। 34 ब्लॉक्स माइनस करें। यहाँ 66 ब्लॉक्स हैं, हमने 34 ब्लॉक्स माइनस किए। अकाइयों को निकालने से शुरू करते हैं, 6 वंस माइनस 4 वंस, अकाइयां बराबर हैं 2 वंस के। अब टेंस को माइनस करें, 6 टेंस माइनस 3 टेंस बराबर है 3 टेंस के। 32 ब्लॉक्स बाकी हैं, 66 माइनस 34 32 के बराबर है। 65 ब्लॉक्स माइनस करें, यहाँ 85 ब्लॉक्स हैं, हमने 65 ब्लॉक्स माइनस किए। चलिए वंस को माइनस करने से शुरू करते हैं, 5 वंस माइनस 5 वंस 0 वंस के बराबर है। अब टेंस को माइनस करें, 8 टेंस माइनस 6 टेंस 2 टेंस के बराबर है। 20 ब्लॉक्स बाकी हैं, 85 माइनस 65 20 के बराबर है। आइए 96-54 मालूम करते हैं। वंस को माइनस करने से शुरू करते हैं, 6 वंस माइनस 4 वंस 2 वंस के बराबर है। अब टेंस को माइनस करें, 9 टेंस माइनस 5 टेंस 4 टेंस के बराबर होगा। 96-54 42 के बराबर है। आइए अब हम सैकड़ों की तफरीक को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। 246 ब्लॉक्स को माइनस करें। यहाँ 563 ब्लॉक्स हैं, हमने 246 ब्लॉक्स निकाल दिए। आइए वंस को निकालने से शुरू करते हैं। हम 6 वंस को 3 वंस में से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम 1 वन को 10 वंस में रीग्रुप करेंगे। अब हमारे पास 5 टेंस और 13 वंस हैं। आइए वंस को माइनस करते हैं, 13 वंस माइनस 6 वंस 7 वंस के बराबर होगा। अब हम टेंस को माइनस करेंगे, 5 टेंस माइनस 4 टेंस 1 टेंस के बराबर होगा। आखिरकार हम हंड्रेड्स को माइनस करेंगे, 500 माइनस 200 बराबर होगा 300 के। 317 ब्लॉक्स बाकी हैं, 563 माइनस 246 बराबर होगा 317 के। 481 ब्लॉक्स माइनस करें, यहाँ 635 ब्लॉक्स हैं, हमने 481 ब्लॉक्स निकाल दिए। आइए वंस को माइनस करने से शुरू करते हैं, 5 वंस माइनस 1 वंस 4 वंस के बराबर होगा। अब टेंस को निकालें, हम 8 टेंस को 3 टेंस में से नहीं निकाल सकते, लिहाजा हम 100 को 10 में दोबारा रीग्रुप करेंगे। अब हमारे पास 500 और 13 टेंस है। अब हम टेंस को माइनस कर सकते हैं, 13 टेंस माइनस 8 टेंस बराबर है 5 टेंस के। आखिर में हम हंड्रेड्स को माइनस करेंगे, 500 माइनस 400 बराबर होगा 100 के। 154 ब्लॉक्स बाकी हैं, 635 माइनस 481 154 के बराबर है। माइनस करें, आइए 925 माइनस 348 मालूम करते हैं। वंस को मनफी करने से शुरू करें, हम 8 वंस को 5 वंस में से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम 110 को 10 टेंस में दोबारा तरतीब देंगे।
अब हमारे पास 110 और 15 वंस हैं। अब हम वंस को माइनस कर सकते हैं। 15 वंस माइनस 8 वंस बराबर होगा 7 वंस के। अब हम टेंस को निकालेंगे। हम 4 टेंस को 110 में से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 100 को दोबारा रीग्रुप करेंगे। 10 टेंस में अब हमारे पास 800 और 11 टेंस हैं। अब हम टेंस को निकाल सकते हैं। 11 टेंस माइनस 4 टेंस बराबर होगा 7 टेंस के। आखिरकार हम हंड्रेड्स को माइनस करते हैं। 800 माइनस 300 जो के बराबर होगा 500 के, लिहाजा 925 माइनस 348 577 के बराबर होगा। आइए अब हम तफरीक से मुतल्लिक कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि 47 और 13 में कितना फर्क है। ऑप्शन 1 33, ऑप्शन 2 34, ऑप्शन 3 35 या ऑप्शन 4 36। सोचिए और जवाब दे। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन 34 इज द राइट ऑप्शन। ग्रेट जॉब। अब एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि क्या हम 2 में से 7 को तफरीक कर सकते हैं बगैर बोरो यानी हासिल लिए। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, दूसरी ऑप्शन सही जवाब है। शाबाश बच्चों। अब एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है एक दरख्त पर 29 परिंदे हैं, 13 परिंदे उड़ जाएं, कितने परिंदे बाकी बचे। स्टूडेंट्स सोचिए और जरा सोच समझ कर जवाब दें। जी बिल्कुल, सही सोचा आपने। पहली ऑप्शन सही जवाब है, 16 परिंदे बाकी बचेंगे। ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स। अरे वाह बच्चों, ये सवाल तो बड़ी आसानी से आपने हल कर लिए। इकाइयों और दिहाइयों की तफरीक को समझने के लिए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। 47 और 13 का फर्क मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम 2 मरहलों में हल करेंगे। इसके लिए पहले तो हम दोनों आदाद को इकाइयों और दिहाइयों में लिखेंगे। अदद 47 में हमारे पास 4 दिहाइयां और 7 इकाइयां हैं। पहले कदम पर हम इकाइयों का फर्क मालूम करेंगे। 7 में से 3 का फर्क लिया तो हमारे पास 4 आएगा। अब दूसरे कदम पर हम दिहाइयों के फर्क को मालूम करेंगे। 4 में से 1 का फर्क लिया तो हमारे पास 3 आएगा। जी बच्चों, ये तो बहुत आसान है। 47 में से 13 का फर्क लिया तो हमारे पास 34 जवाब आएगा। आइए अब सैकड़ों की तफरीक को समझने के लिए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। 292 और 65 का फर्क मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम 3 मरहलों में इसको हल करेंगे। सबसे पहले कदम पर हम इकाइयों का फर्क मालूम करेंगे। अरे ये क्या, 2 में से 5 का फर्क कैसे लेंगे। 9 दिहाइयों में 1 दिहाई हासिल करके 2 इकाइयों को 12 बना लेते हैं। 12 में से 5 का फर्क लिया तो हमारे पास 7 आएगा। अब दूसरे कदम पर हम दिहाइयों के फर्क को मालूम करेंगे। 9 में से हमने 1 दिहाई ले ली थी तो हमारे पास 8 दिहाइयां बची। अब 8 में से 6 का फर्क लिया तो हमारे पास 2 आएगा। अब तीसरे कदम पर हम सैकड़ों के फर्क को मालूम करेंगे। 2 से तफरीक करने के लिए हमारे पास कोई एदाद नहीं है, इसलिए हम 2 को इसी तरह नीचे लिखेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 227। आइए अब हजारों की तफरीक को समझने के लिए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। 3784 और 2362 का फर्क मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम 4 मरहलों में हल करेंगे। सबसे पहले कदम पर हम इकाइयों का फर्क मालूम करेंगे। 4 में से 2 का फर्क लिया तो हमारे पास 2 आएगा। अब दूसरे कदम पर हम दिहाइयों के फर्क को मालूम करेंगे। यहाँ 8 में से 6 का फर्क लेंगे तो हमारे पास 2 दिहाइयां आएंगी। अब तीसरे कदम पर हम सैकड़ों के फर्क को मालूम करेंगे। यहाँ 7 में से 3 का फर्क लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब चौथे कदम पर हम हजारों के फर्क को मालूम करते हैं। यहाँ 3 में से 2 का फर्क लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 आएगा। जी तो बच्चों, हमारे पास 1422 जवाब आता है। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।